वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की बेकिंग क्लास में एक बहुत ही टेस्टी से पिज्जा की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बनाएंगे हम पेपी पनीर पिज्जा बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल। घर पर इस पिज्जा को आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। यकीन मानिए, जो इसका टेस्ट है वो डोमिनोज से भी ज्यादा अच्छा आता है जब आप इसे घर पे इस तरीके से बनाते हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में शेयर किए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिए और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पेपी पनीर पिज्जा को आप घर पे बनाइए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पिज्जा का डो लगाना होगा, यानी कि आटा लगाना होगा। पिज्जा का डो बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में हम आधा कप पानी ले लेंगे। जो ये पानी मैंने इस्तेमाल किया ये गुनगुना है, यानी हल्का गर्म पानी हम इस्तेमाल करेंगे। इसका जो टेम्परेचर है, जब आप इसमें अपनी फिंगर डालें तो आप सहन कर सकें, बस इतना गर्म होना चाहिए पानी। इसमें अब डालेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून चीनी। तो जो हमारा ईस्ट होता है उसे एक्टिव करने के लिए हमें चीनी का इस्तेमाल करना होता है, तो इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट। तो किसी भी ब्रांड का आप यहाँ पे ईस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और अब हम इसे ढक देंगे। ढक कर हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट के साइड में रख देंगे ताकि जो हमारा ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिव हो जाए। तो लगभग 10 मिनट के लिए मैंने अच्छे से इसे एक्टिव होने के लिए साइड में रख दिया था। और अगर आप ईस्ट को अभी आप देखें तो एकदम ये फ्रॉथी हो गया है और बिल्कुल आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा जो ईस्ट है वो एक्टिव हो गया। अगर आपका ईस्ट जो है वो इस तरीके से एक्टिव नहीं होता है तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को कंटिन्यू ना करें। तो इस तरीके से जब आपका ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो जाएगा तभी जो आपका पिज्ज़ा का डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 1.5 कप। सारी चीज़ें ग्राम्स में कितनी इस्तेमाल किया उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। इस डो को अगर आप थोड़ा सा फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े से मिक्स हर्ब्स डाल सकते हैं या फिर आप इसमें गार्लिक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से अब हम क्या करेंगे, इसे पहले स्पून की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमें एकदम स्मूथ सा एक आटा लगा के तैयार करना है। तो जो हमने यहाँ पे क्वांटिटी मैदे की ली है, इस क्वांटिटी में से आप यहाँ पे 2 मीडियम साइज के पिज्जा बना सकते हैं। तो एकदम सॉफ्ट आटा हमें लगा के यहाँ पे तैयार करना है। तो अच्छे से मैंने आटे को यहाँ पे लगा लिया है। अब इस आटे को बिल्कुल स्मूथ करना होगा। तो इस तरीके से लगभग 5 से 7 मिनट के लिए हमें एकदम अच्छे से इसे स्ट्रेच करते हुए बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। इस तरीके से बिल्कुल 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे लेकिन एकदम स्मूथ आटा हो जाएगा। रोटी बनाने का जो आटा हम लगाते हैं उससे भी ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। अगर आप देखें तो अभी ये चिपचिपा है, जैसे जैसे हम बिल्कुल अच्छे से इसे स्मूथ करते जाएंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। अब इस पे थोड़ा सा हम बटर लगा लेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए और अच्छे से हम इस तरीके से मसल मसल के स्मूथ कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा आटा हमारा बिल्कुल लग के तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ है और एकदम सॉफ्ट है आटा अगर आप देखें तो। अब हम इसे एक बर्तन में रख देंगे और थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ऊपर से ड्राई ना हो। और अब हम इसे कवर कर लेंगे। तो इसे कवर करके हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है ताकि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो जाए। तो इस तरीके से आप इसे बिल्कुल अच्छे से कवर कर लें और किसी भी वार्म जगह पे आप रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी किचन कैबिनेट में या फिर माइक्रोवेव में, लेकिन माइक्रोवेव को बंद करके उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। तो लगभग 2 घंटे के लिए मैंने इस आटे को अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख दिया था और आटा देख सकते हैं एकदम डबल हो गया अपने साइज में और बहुत ही अच्छे से हमारा आटा यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इसे थोड़ा इस तरीके से हम पंच कर लेंगे और बढ़िया से एकदम सॉफ्ट आटा है। अगर आप इसका टेक्सचर देखें आटे का तो एकदम सॉफ्ट है, जो रोटी बनाने का आटा होता है ना हमारा, उससे भी ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जितना आटा आपका अच्छे से लगेगा उतना ही अच्छा आपका पिज्ज़ा का क्रस्ट बन के तैयार होगा। तो अब यहाँ पर हम इसे इक्वल 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इतने आटे में से आप 2 पिज्ज़ा मीडियम साइज़ के बना सकते हैं। तो एक मैंने पोर्शन ले लिया है, उसकी बड़ी सी लोई बना ली है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मक्के के आटे का इस्तेमाल किया है इसे यहाँ पे बेलने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे सिंपली मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथों से भी आप चाहें तो इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए इसे एक रोटी का शेप दे सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे बेल लें जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन जो इसकी थिकनेस होगी वो थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और पिज्जा प्लेट की साइज में हम थोड़ा सा इसे इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, जो कॉर्नर्स हैं वहां पे आप अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से थोड़ा सा इंप्रेशन बनाते जाएं ताकि जब हम इसमें सारी चीजें टॉपिंग वगैरह डालें, चीज डालें, तो वो बाहर ना आए। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो इसके कॉर्नर्स हैं बिल्कुल चारों तरफ से अच्छे से इसे
प्रेस कर लें और अब फोक की हेल्प से हम थोड़ा सा इसे प्रिक कर लेंगे ताकि जब हम इसे बेक करें तो ये फूले ना। तो इस तरीके से प्रिक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हम पनीर ले लेते हैं। पनीर को हमें मैरिनेट करना होगा, तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया है एक पिज़्ज़ा के लिए। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और इसी के साथ इस पर थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और थोड़ा सा फिर हम इसमें डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर और इसी के साथ अगर आप चाहें तो भुने हुए जीरे का पाउडर भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून। अब इसके ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है, आप चाहें तो मेल्ट किया हुआ बटर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से हमारे जो हमारा पनीर है उस पर हमें कोट कर लेना है। तो ये बिल्कुल मसालेदार पनीर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे साइड में रख देते हैं और जो हमारी पिज़्ज़ा वाली प्लेट है उसे ले लेते हैं और पिज़्ज़ा के ऊपर लगा लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस घर पे कैसे बनाएंगे इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी चैनल पर शेयर की है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ और साथ ही थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सिर्फ मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ की क्वांटिटी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छे से चीज़ डालने के बाद अब इसके ऊपर हम टॉपिंग रखेंगे। पेपी पनीर पिज़्ज़ा जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइप की वेजिटेबल या टॉपिंग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिंपली इस पर आपको चाहिए होगी सिर्फ थोड़ी सी ग्रीन वाली शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च को कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर रख देंगे। साथ ही चाहिए होगा आपको रेड पेपरिका जो कि बहुत इजीली आजकल मार्केट में अवेलेबल है, तो इसकी जो परचेस लिंक है ऑनलाइन वाली मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसे भी डाल देंगे और साथ ही जो हमने मैरिनेट करके पनीर रखा था एकदम मसाले वाला उस पनीर को भी हम डाल देंगे इसके ऊपर, कुछ इस तरीके से रख देंगे। और थोड़ा सा ऊपर से अगेन मैं चीज़ डाल रही हूँ, चीज़ की क्वांटिटी अगेन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही जो इसका कॉर्नर है तो उसका क्रस्ट एकदम बढ़िया से बेक और बढ़िया से टेस्ट आए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेल्ट किया हुआ बटर लिया था जिसमें थोड़ा सा मैंने गार्लिक पाउडर डाल दिया है और उससे हम थोड़ा सा इसके जो साइड्स हैं वहाँ पे से ब्रश कर देंगे। तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा ग्रेट करके यहाँ पे गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं बटर में, उस पर भी आप उसका यूज़ करके इसे ब्रश कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा बेकिंग के लिए, तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए आपको OTG को अच्छे से पहले प्रीहीट करना होगा 10 मिनट के लिए। तो 230 डिग्री सेल्सियस पे मैंने OTG को बढ़िया से प्रीहीट कर लिया है। मिडल वाले रैक पर हम रखेंगे प्रीहीटेड OTG में हमारा ये पिज़्ज़ा वाला ट्रे और इसे 230 डिग्री सेल्सियस पे ही हमें बेक करना होगा 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट में आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेक हो जाता है, ऊपर और नीचे की दोनों रॉड्स ऑन रहेगी, साथ ही फैन भी आपको ऑन रखना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका पिज़्ज़ा बेक हो जाएगा 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट्स के लिए चलिए अब हम इसे बेक होने के लिए रख देते हैं और 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बढ़िया तरीके से बेक हुआ है, चीज़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट हुई है, ऊपर से अगर आप देख रहे हो चीज़ पे बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देते हैं यहाँ पे ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे ताकि बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आए हमारे पिज़्ज़ा में। और फिर हम इसे कट कर लेंगे और इस तरीके से सर्व करेंगे इस गर्मा गर्म पेपी पनीर पिज़्ज़ा को। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बहुत ही यम बना है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में, जितना ये दिखने में है ना यकीन मानिए आपको ये मज़ा आ जाएगा खाते ही जब आप इसे घर पे इस तरीके से बनाएंगे, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है। डोमिनोज के पिज़्ज़ा से भी बहुत ही अमेजिंग बनता है जब आप इसे इस तरीके से घर पे बनाते हैं। नीचे से भी अगर आप देखें तो क्रस्ट बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है पिज़्ज़ा का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये दिखने में, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर से ट्राई कीजिए इस यम्मी से पिज़्ज़ा को और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही इसी तरह की और भी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए और कमेंट ज़रूर से करके बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।